हाय गाइस, तो फाइनली आपकी स्टिम्युलेटेड रैंक्स आ चुकी है। और अब इन रैंक्स का करना क्या है, इसके लिए हम हार चुके हैं हाथों हाथ। देखो, सबसे पहली बात है, आपकी कोई भी रैंक आए हो, चाहे 2000, 5000, 10000, एकदम शांति से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है इसको ख़राब मत करना हाथों हाथ। एक बार ये वीडियो देख लो, फिर जाके जो करना है आपके हाथ में, एटलीस्ट एट दी एंड आपके हाथ में ही आपकी किस्मत है। पर ये ज़रूर चेक कर लेना कि ये स्टिम्युलेटेड रैंक्स हुई क्यों है, आती कैसे है और इसका रीज़न क्या है। सबसे पहली बात, ये स्टिम्युलेटेड रैंक्स जो है ये बहुत ही जेनरिक वे में, विच मीन्स ना इसमें कोई जेंडर देखा गया है, ना इसमें कोई कैटेगरी देखी गई है, ना कोई कोटा, ना कुछ भी। ये सिर्फ जेनरिक है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से इसमें रैंक निकाल के दिखाई गई है। पर DU ऐसे काम नहीं करता, ये हम सभी को पता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी, जेंडर, हमारे आधे DU के कॉलेजेस जो है ओनली फॉर वुमेन है, तो वुमेन्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से ये चीज़ें बदल सकती है। तो अब हमें स्टिम्युलेटेड रैंक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 मेरी है, मेरा पोल साइंस ऑनर्स का सपना है। पर अब मेरा जो सपना है, अगर मैं एक लड़का हूँ, और सोचो कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में लड़कियों ने बहुत अच्छा किया है, कह सकते हैं कंपटीशन में काम, और इसलिए 5000 रैंक के नीचे सोचो आधे से ज़्यादा लड़कियां हैं। इससे क्या होगा कि जो मेरी कंपटीशन है ना, वो आधे से ज़्यादा तो वैलिड ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो मैक्सिमम जो है गर्ल्स कॉलेजेस को ही अपनी प्रायोरिटी में रखती है। आई वॉन्ट से एवरी वन, बट अगेन दे वॉन्ट गार्गी, KNC, LSR, मिरांडा, वो हो जाए, क्योंकि अगेन वो बेस्ट भी है और वो लड़की है तो उनको ही मिलेगा। तो इससे क्या है, जो मेरा एक्चुअल कॉम्पिटिशन है वो तो स्ट्रेट अवे आधा हो गया है। वो तो मेरा कॉम्पिटिशन ही नहीं है जो मुझे स्टिम्युलेटेड रैंक्स में मेरी रैंक के हिसाब से दिखाया गया है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें हमारा कॉम्पिटिशन क्या है अभी तक पता नहीं है एग्जैक्टली। दूसरी बात, ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सपोज़ मेरे 770 बने हैं, ठीक है, और आपके जो है 700 बने हैं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, राइट, और आपकी है साइकोलॉजी ऑनर्स, राइट। अब होगा क्या कि मेरे जो मार्क्स हैं ना 770 पे, वो तो मैंने अब अपनी सोचो, मेरे को भी श्योर नहीं है क्या मिलेगा, तो मैंने अपनी सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल साइंस डाल दिया, उसके बाद मैंने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब डाल दिया, ठीक है। और आप जो है 720 पे, आपका तो साइकोलॉजी फर्स्ट था, पर फिर भी आपने बैकअप के लिए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी सब डाला हुआ, राइट। अब इससे डिफरेंस क्या आया कि जो आपकी रैंक होगी साइकोलॉजी की, उसमें मेरे 770 भी इंक्लूडेड है, राइट। मेरे जो रैंक है, मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस तो पर पॉल साइंस है, पर फिर भी क्योंकि मैंने बैकअप के हिसाब से साइकोलॉजी डाला है, मैंने उसको भी अपनी लिस्ट में रखा है। तो इसकी वजह से स्टिम्युलेटेड रैंक्स में, आपकी वाली में, वो साइकोलॉजी की रैंक और बढ़ेगी। अब रियलिटी क्या है कि 770 पे मुझे पोल साइंस ऑनर्स मिल जाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो अब जो मेरी रैंक जो आपकी बढ़ी है साइकोलॉजी की, वो नलिफाई हो जाती है, क्योंकि रियलिटी में जो आपकी रैंक बढ़ी है मेरे 770 वाले मार्क्स की वजह से, और ऐसे बहुत सारे लोगों की वजह से, वो आपका असलियत में कॉम्पिटिशन है ही नहीं, क्योंकि हर किसी की अलग अलग प्रेफरेंसेस है, अलग अलग फर्स्ट प्रेफरेंस है, राइट। तो अगर मेरी, अब देखो यही तो बात है कि है ना, मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि इतने लोगों ने इस कोर्स को अपनी प्रेफरेंस में रखा है, और अगर इतने लोगों ने रखा है तो जिसके जितने ज़्यादा स्कोर है, जिसका ज़्यादा रैंक है, उसको वैसे मिला है, ठीक है। आपका 770 है तो आपका कोई भी कोर्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉल साइंस हो, आपके सब में जो रैंक है वो अबव 500 आएगी। पर रियलिटी क्या है कि आपको वो अपना नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री मिल जाएगा आराम से, राइट। तो अब बाकी सब के अंदर जो आपकी रैंक है वो मतलब नहीं है, पर एज अ 720 वाला बंदा मुझे तो वो लग रहा है ना यार कि यार मेरे तो बहुत ज़्यादा ऊपर 2-3 हज़ार का कॉम्पिटिशन है, अब मैं क्या करूँ। बट ये रियलिटी नहीं है, और ये हर कोर्स की बात है। बीकॉम ऑनर्स वाले भी बीकॉम प्रोग्राम को अपने बैकअप में रख रहे हैं, बीएससी वाले भी हर कोर्स को रख रहे हैं, सोशियोलॉजी एंड ऐसे, मतलब समझ लो ये जो स्टिम्युलेटेड रैंक है ये बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजनल है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये आपको सच्चाई नहीं बता रही। और अब अगर हमें जानना है कि भाई सेफ स्कोर क्या है, सेफ रैंक क्या है DU में आने की, तो वो जो आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल मैं नहीं कहना चाहूँगा, बट दे डोंट नो द रियलिटीज, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने कैटेगरी वाले हैं जो 7000 में लोग हैं, है ना। 7000 अगर सोचा आपकी रैंक है विद द स्कोर ऑफ 650, हमें नहीं पता उसमें कैटेगरी वाले कितने लोग हैं, राइट। हमें नहीं पता उसमें फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, हमें नहीं पता उसमें अलग अलग ECA से कितने लोग आने वाले हैं, स्पोर्ट्स से कितने लोग आने वाले हैं, हमें कुछ नहीं पता। और DU का गेम जो है वो नंबर्स का है ना, वी ऑल नो, एक दो नंबर, दो पांच नंबर और आपकी रैंक
थोड़ी सी ऊपर नीचे, आपका स्कोर थोड़ा सा ऊपर नीचे, और आपको SRCC मिस हो जाएगा। तो अब क्या ये कहना सही रहेगा, मैं अभी यहाँ से बैठे बैठे कह दूँ कि 2000 रैंक आपके लिए बेस्ट है, 6000 रैंक आपके लिए बेस्ट है, और कुछ और रियलिटीज़ हो जाए? नहीं है ना। तो ये रैंकिंग सिस्टम अब आखिर में DU ने निकाला क्यों है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें इसे मैटर लेना चाहिए, क्या हमें इस पर फोकस करना चाहिए? तो मेरा सिंपल सा आपको यही सजेशन रहेगा, यू नो, कि है ना, इसको ज़्यादा फोकस में ना रखें। बिल्कुल, अब आपने देखा भी होगा कि आपके जो BA प्रोग्राम के कोर्सेज होंगे ना, उसमें आपकी रैंक बहुत अच्छी होगी और ऑनर्स में कम होगी, राइट? तो आपने BA प्रोग्राम में कुछ भी कॉम्बिनेशन, कुछ भी बैकअप के लिए भी डाला होगा ना, तो उसकी ना रैंक होगी 100, 200, 300, और ऑनर्स में रैंक होगी 3000। तो क्या इसका यह मतलब है कि मैं BA प्रोग्राम को नंबर वन पर रख लूँ ताकि मुझे नंबर वन मिल जाए, ख़त्म हो जाए? बिल्कुल भी नहीं, कभी मत करना ये गलती। इससे क्या होगा, आप जो आपके बाकी सारे नीचे 50-100 प्रेफरेंस बनाई, वो सब वेस्ट हो जाएगी। आपकी प्रेफरेंस जैसे बनाई है आपने, जिस कॉलेज को जहाँ रखा है, जिस कोर्स को जहाँ रखा है, बहुत दिमाग लगा के बनाई है आपने, बिल्कुल उसको छेड़छाड़ी नहीं करनी है। हाँ, अब आपका इसमें बस ये है कि देखो, इससे आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा, मुझे ये कॉलेज जो है इसमें मिल सकता है या मेरा इसमें ये मिल सकता है। ज़्यादा आपको बिल्कुल आइडिया नहीं आएगा अभी। और आपको अगर सेफ स्कोर जानना है, सेफ रैंक जाननी है, तो सीधा जो आपका कोर्स है ना, जो आपका पर्टिकुलर कोर्स है, उसमें जाके उसकी टोटल सीट्स देख लो DU में कितनी है, और आपकी रैंक देख लो, और फिर उसमें 20-30% का ऊपर नीचे रख लो। क्योंकि 20-30% का ऊपर नीचे क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बैकअप के लिए वो कोर्स अपने प्रेफरेंस में रख दिया होगा, और उनके रैंक अच्छी आई होगी क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं, पर रियलिटी में वो हमारा कंपटीशन है ही नहीं। तो 20-30% का डिफरेंस देख लो, और अगर आपके उस रेंज में आपके मार्क्स हैं, आपका रैंक है, तो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, BA प्रोग्राम में मोर देन 40,000 सीट्स है DU में, राइट? तो अब आपका जिस कॉम्बिनेशन में जो स्कोर, जो रैंक आ रहा है, वो देख लो भाई पूरी DU में उसमें कितने है ना सीट्स अवेलेबिलिटी है, और फिर 20-30% है ना ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा आराम से, ज़्यादा ही होगा मतलब, ठीक है। BCom में भी आई बिलीव मोर देन 16,000 सीट्स है DU में, राइट? तो 16,000 तो स्ट्रेट अवे जो है आपका आराम से कॉम्पिटिशन जो है ख़त्म हो जाता है। अब देखो, अब SRCC जिसको जाना होगा ना, उसके लिए भी बहुत सारा कंपटीशन होगा। बट अगेन, अगर आपकी टॉप 200, 500, 600 में, तो या बेटर बी श्योर BCom में कि भाई आपको अपना नंबर वन नंबर टू मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो दैट्स द नंबर ऑफ थिंग्स यू नीड टू माइंड। आपको आपकी रैंक क्या है, और जिस कोर्स में आपको जाना है उसमें टोटल सीट्स क्या अवेलेबल है, अगर वो आपके रेंज में है, और रेंज में भी नहीं है तो 20% ऊपर नीचे करके देख लेना, अगर वो रेंज में है तो आप DU आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब किसी की रैंक की 45,000, 60,000 है, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट येस, इफ़ योर, यू नो, सोचो फॉर एग्जाम्पल BSc कोर्सेज में 5,000 सीट्स है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कितनी है, BSc कोर्सेज में 5,000 सीट्स है, पर आपका जो रैंक आ रहा है वो, यू नो, मान लो 6,000 आ रहा है, 7,000 आ रहा है, तब भी कोई गलती की बात नहीं है, गम की बात नहीं है, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यू नो अगेन, वो 5,000 में हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोगों जिन्होंने वो पर्टिकुलर कोर्स अपने 50 preference, 70 preference एज अ बैकअप रखा हो, चाहे उनके स्कोर अच्छे हो, तो ये चीज़ है। तो अब आपको क्या अपनी प्रेफरेंस शीट बदलनी है? बिल्कुल नहीं। पर हाँ, अगर आपको लगता है नहीं, अब मेरा जो टोटल सीट्स है DU में और जो मेरी रैंक है उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपके लिए वीडियो है। आप थोड़े से एक्स्ट्रा कोर्सेज अपने ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब फिलहाल आपको ऑप्शन मिल रहा है थोड़ी सी अपनी जो DU की जर्नी है उसको ईजी बनाने के लिए, नए नए कॉलेजेस ऐड कर लीजिए। बट अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चेंज कर रहे हैं, कॉलेजेस ऐड कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो लास्ट में ही कर रहे हो, ठीक है? लास्ट में कर रहे हो, उससे क्या होगा, सोचो आपके ऊपर के सारे नहीं मिले तो आपको लास्ट का मिलेगा, क्योंकि एट दी एंड यू ऑल नो, आई बिलीव यू ऑल नो कि DU जो है आपको बेस्ट पॉसिबल अलाउड करता है, वो ऊपर से नीचे चलता है, आपको ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। तो अगर आपका 70 प्रेफरेंस आपने नया ऐड किया है, तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगेन उसका कंपटीशन कम होगा। पर अगर आपका किसी में रैंक बहुत कम है, राइट, आपका सोचो किसी में रैंक 30 है, और उसको आपने नंबर वन रख दिया ये सोच के चलो DU में सीट पक्की, तो ये बहुत ही बड़ी गलती होगी। उससे आप अपने सारे बाकी कोर्सेज की जो चांसेस थे, जो चाहे 1% हो, वो आप खो रहे हैं। चाहे आपका 2000 रैंक हो, 5000 रैंक हो, 3000 रैंक हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका स्कोर अच्छा है ना, तो आपको अपना बेस्ट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये रैंक्स जो है अगेन बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है, बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजनल है, रियलिटी क्या है और यू नो क्या आपको कॉलेज मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हाँ, सेफ स्कोर मैं कह सकता हूँ वही होगा, सेफ रैंक वही होगी जो आपके टोटल कोर्सेज में सीट है और आपकी जो सीट है उसके 20% ऊपर नीचे, ये सेफ है।
पर अगर किसी को टॉप कॉलेज ही जाना है राइट, उसको सेफ से मतलब ही नहीं है, तो यू नो डोंट 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 थिंक टू मच। आपकी प्रेफरेंस शीट सही है, आपकी जो असली मेहनत थी वो आपने कर ली है। अब वो क्या थी कि अच्छा पेपर दो, अच्छी लिस्ट बनाओ, बेस्ट कॉलेजेस को ऊपर रखो और जो आपको नहीं पसंद नहीं जाना उनको नीचे रखो, है ना। अब अगर आप नए ऐड भी कर रहे हो तो नीचे ही करना, क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट में लास्ट वाला मिलेगा, टॉप वाला नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ऐसा ना करना उसको सबसे ऊपर रख दो, फिर वो मिल गया और फिर नीचे आपने जो दो चार दिन पहले इतनी मेहनत करी थी लिस्ट बनाने वो सब वेस्ट हो गई। कभी मत करना, ये बहुत ज़रूरी बात है। बाकी स्टिमुलेटेड रैंक्स पे इतना फोकस ना करो, जो भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था और लोगों के आ रहे हैं कि मिल जाएगा नहीं मिलेगा क्या मिलेगा, मत लगाओ दिमाग। आपको कोई अगर बता भी रहा है कि मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा तो वो सब यू नो डिल्यूशनल है। अपना सिर्फ यही रखो मिल जाएगा एंड चिल करो, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ वेरी जनरिक लिस्ट, वी डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज़। दिस इज़ जस्ट कि अगर आपका जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो बैकअप डाल दो बीए प्रोग्राम के या अपने अपने कोर्सेज के अंदर रिस्पेक्टिव जो भी है उसके अलग अलग वेराइटी, वो भी लास्ट में, टॉप पे मत डालना। अपनी प्रेफरेंस शीट को ज़्यादा मत बिगाड़ो, ज़्यादा मत ख़राब करो। और यू नो यू नेवर नो, इट्स लाइक अगेन क्योंकि ना कॉलेज स्पेसिफिक लिस्ट है ना ये जेंडर स्पेसिफिक है, ये कुछ नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट कह लो कि ड्यून ने आपको थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए एक चीज़ रिलीज़ की है, बाकी जो आपको करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। जितनी आपको वैरायटी डालनी थी अपने लिस्ट में, जिस कॉलेज को आपको टॉप पे रखना था रख दिया है, अब बिल्कुल दिमाग ना लगाएं। अभी भी अगर बदलने का चांस है तो सिर्फ अच्छे अच्छे कॉलेजेस को ऊपर रखो और एवरेज एवरेज को थोड़ा थोड़ा उसके बाद रखो। अगर आपने पहले कोई ऐसी गलती करी हो कि एवरेज कॉलेज को सबसे ऊपर रख लिया और फिर आपकी लिस्ट जो है वो ऊपर ही ख़त्म हो जाए, फिर आपके नीचे के जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी वो ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं करना। अभी भी है, चेंज कर सकते हो, तो सिर्फ बेस्ट कॉलेजेस को ऊपर रखने का ही ट्राई करो और बेस्ट कोर्सेज को और बेस्ट कॉलेजेस को, दैट्स इट। और वो भी ऊपर ऊपर, नीचे सिर्फ आपका बैकअप होने चाहिए लास्ट के अंदर, यही मेरी आखिरी एडवाइस है। बाकी जो होना होगा हो जाएगा, वही बात है, आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, आपको जो करना था वो आप कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पर इतना दिमाग ना लगाए, अच्छी बात है लिस्ट निकली है बट आपके बिल्कुल काम की नहीं है। रिलैक्स, चिल एंड हैव अ गुड स्लीप, कुछ मत करो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय सियाराम।